तो एक दिना कैलाश में नारद मुनि गयो आज गिर जा से ऐसे रियो तो घुट घुट के बतड़ाए। अरे पार्वती से नारद मुनि घुट घुट के बतड़ावे रही जन्म से भोली यो जाकू यो समझावे। और कपटी पति तेरो शंकर तो पार नहीं पावे है ऊपर को प्रेम पेट की बात नहीं आवे। वक है ऊपर को प्रेम पेट की बात नहीं आवे। सजनों एक समय क्या होता है कि ब्रह्म ऋषि नारद कैलासन में पार्वती जी के पास में पहुंचा और जाकर कहने लगा कि हे भवानी सुनो मैं तुमको आज एक बात बताना चाहता हूं। वो क्या है कि जो तुम्हारा पति शंकर भगवान है वो हरदम आपसे कपट रखता है और तुम जन्म से भोली भाली हो, इसलिए मैं तुमको एक बात को बताने के लिए आया हूं। अरे पार्वती को नारद मुनि घुट घुट के बतलावे रही जन्म से भोली गिर जा को यो समझावे। और कपटी पति तेरो शंकर तो पार नहीं पावे है ऊपर को प्रेम पेट की बात नहीं आवे। वक है ऊपर को प्रेम पेट की बात नहीं आवे। बतला जो गलती माफ करो कैलासी मैं हरदम चल।
चरणों की दासी। अब तक मिलो न ऐसा मौका, मोकू एक बात को दो को सानो, भेद बता दो या को हरदम कपट पिया क्यों राखो। मीठा बोलो पिया गला में बता, मुंड कुण का लटकाया ढोलो। अरे छोड़े सपट वो सुराख है कपट, तू ही कर ले भवानी विचार, वाके ना ये रहे बा में सार। अरे गवर जा झूठ मती जाने, पोलवा की कुण खोले, तेरे अमर कथा है तेरा पति पे वा कुछ पाया डोले। वाको खूब जन्म सुजानो, वाकी सारी बात पिठानो, पको घासी पर कतई आत्मा गंदी, वाकी है मतलब को साथी, कह दई सही कसर का रही, बता सब दई बात सुन लीजो, किशात चा पर पीछे वासु अमर कथा सुन लीजो। वाका ठाट 108 बार तू मरी गया नहीं करी, पुल पुल खोल है तेरा मुंडन की माला, गल में लटकाया डोले। अरे पारे पारे करे करे प्रचार, दई गिर जाके नीका जचाए, गायो रे मुनि आश्रम में आए। झूठ मती जाने, पोलवा की कुण खोले, तेरी अमर कथा है तेरा पति पे वा कुछ पाया डोले। बाबू खूब जन्म सुझाणू, बाकी सारी बात बिछाणू, पको घाती और कतई आत्मा गंदी, वाकी है मतलब को साथी, कह दई सही कसर काय रही, बता सब दई बात सुन लीजो, और किसा तिचा पर पीछे वासु अमर कथा सुन लीजो। वाका ठाट 108 बार तू मरी दया नहीं करी, पुल कुण खोले और तेरा मुंडन की माला, गल में लटकाया डोले। अरे बारे बारे करे करे प्रचार, दई गिर जाके नीका जचाए, गायो है मुनि आश्रम में आए। हाँ प्रिय सजनों, नारद जी कहने लगे कि हे पार्वती, तुम्हारा पति शंकर भगवान है, वो जन्म से तुमसे कपट रखता है। कैसे कि सुनो, तुम्हारा पति के पास में अमर कथा है, और वो अमर कथा क्या है कि जिसको सुनने के बाद मनुष्य अजर अमर हो जाता है। तो शंकर भगवान तो सदा ही अमर है, और आप बार बार में खत्म हो जाती हो, तुम्हारे ही मुंडों की माला शंकर भगवान ने गले में पहन रखी है, तुम 108 बार मर चुकी हो और शंकर भगवान अमर है, वो क्या कारण है कि उनके पास में अमर कथा है, इसलिए कैसे हूँ करके उस अमर कथा को अगर तुम सुन लो तो तुम भी सदा के लिए अमर हो जाओ। अरे जब तक ही कैलाश पति शिव कैलाश में गयो रे आई, तुम जोगिया आओ बैठो पिया, हसे हस के गवर जा बतराई। सुनाई जो
प्रिय सजनों, इस तरह से पार्वती को भेका कर नारद जी तो अपने स्थान पर आ जाते हैं और जब तक ही कैलासन में शंकर भगवान आए, आते ही पार्वती ने सिंहासन बिछाया और शंकर भगवान को बिठाया और कहने लगी कि हे महाराज, आप मुझसे हरदम कपट रखते हो। पार्वती बोली कि भगवान आपके पास में अमर कथा है, उसको सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। शंकर भगवान सोचने लगा कि आज भवानी को ये भेद किसने बता दिया। अरे हूँ चरण की दासी पिया, मत मोसे कपट राखो रे भारे ताल, ए पूरा भा मारे लागो हे जा, वो कोई हमारे कथा को सुना दियो सारे। कैलासी मन में सुबह तोड़े दी छाया, एरे भी सो बिसुआ आज कहीं से ना नारद मुनि आयो सारी है। बाकी चाला की झाको कसी करी या लाकी, अब या नहीं समझेगी मार्ग वाले या के खूब जचाई, अब लो या को कुन समझावे शंकर बार बार पछतावे, कर कर हीरो सारा घर को खेल बिगाड़ो या नारद ने मेरो दातले को बीचे मारी धर। बाकी चीज या है काई बता बाकी बात, माने नहीं नार्या की जाते। दातन को भीचे मारी धर बाकी चीज या है काई बता बाकी बात, माने नहीं तिर्या की जाते। कैलासी मन में सुबह तोड़े दी छाया, एरे बिसो बिसुआ आज कहीं से ना नारद मुनि आयो सारी है। बाकी चाला की झाको कसी करी नाला की, अब या नहीं समझेगी भाई याले या के कसी जचाई, अब लो या को कुन समझावे शंकर बार बार पछतावे, कर कर हीरो और सारा घर को खेल बिगाड़ो या नारद ने मेरो दातले को बीचे मारी धर। बाकी चीज या है काई बता बाकी बात, माने नहीं निर्या की जात। सजनों, जब पार्वती ने अमर कथा का नाम लिया, शंकर भगवान सोचने लगे कि जरूर कहीं से इन कहीं से आज यहां पर नारद जी आ पहुंचे हैं, क्योंकि नारद के सिवा इस बात को और कोई भी नहीं बता सकता। नारद जी ने यह बड़ा ही गलत किया है, क्योंकि अमर कथा मेरे पास में गुप्त थी और ये किसी को बताने व सुनाने की नहीं थी, लेकिन अब ये पार्वती शायद है मुझसे हट नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार से शंकर भगवान सोचने लगा। अरे मत हट करे भवानी मन में माने माने मारा के बाकी, अरे हो
सजनों, शंकर भगवान कहने लगा कि हे पार्वती सुनो, आप नारद जी को जानती नहीं हो क्या? नारद जी हरदम यही ऊता धूती करते हैं। आप मेरी बात को मानो, मैं आपसे सत्य कहता हूं कि इसमें सारी नारद जी की चालाकी है और जो वो कथा है वो तुम्हारे काम की नहीं है, ये मेरा विश्वास करो। शंकर भगवान की बात को सुनकर पार्वती कहने लगी, अरे मति हटी करे भवानी रे मन में मान मान मारा थे बाकी, अरे हो या कथा नहीं है देख काम थारा की, तू नहीं रे पिछानी नारद की रे चालाकी। शंकर भगवान की बात को सुनकर पार्वती कहने लगी कि हे भर्तार, नारद जी की बात सत्य है, आप मुझको उल्टा ज्ञान सिखलाते हो। सुनो, या तो आप मुझे अमर कथा सुना दीजिए, नहीं तो मैं पीहर को भग जाऊंगी और आप सत्य मानो पहले की तरह ही भस्म होकर खत्म हो जाऊंगी। पार्वती ने इस प्रकार से कहा, बात सोच समझ गिर जा पति और मन में किया विचार, अरे तो अब या मानेगी नहीं तो सुन अमर कथा को सार, अरे लाई बार बार समझाए नारे मारी एक बात नहीं माने, अरे हो बड़े बेगिर तैयार कथा कुरे सुन ली जा छाने छाने।
सुन आने तू के बाकी नहीं मारे। पार्वती जब हट पड़ गई तो शंकर भगवान ने कहा कि हे भवानी, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं कथा सुना रहा हूं, लेकिन तुम जरा ध्यान से सुनना। ऐसे कहकर शंकर भगवान ने तीन ताली बजाई। क्या होता है कि तालियों को सुनते ही सारे पक्षी उड़ गए, लेकिन एक पेड़ पर अंडा रखा हुआ था सुआ का, वो कच्चा था। पहली ताली में उसमें जीव पड़ गया, दूसरी ताली में पक गया, तीसरी ताली में अंडा फूटकर और सुआ निकला और वो उसी वृक्ष की डाल पर बैठ गया। अरे किसी ने ताली तीन बजाई, सारे सारे दिए उड़ाई आगे और सुना लो भाई, वा जंगल में और कोई दरिया सुआ को अंडो देख जुगा दी भर में। पहली ताली हुयो चार, दूसरी में जो हुयो तैयार, तीसरी मारी और अंडा फूट सुआ निकाया से लोग ताला गाड़ी।
कथा शिव जी ने छेड़ी रे अगाड़ी सुन लो भाई, अरे होनहार की बात देख लो नींद सती को आई हम लो, अमर कथा बन रही है फिर वे पार्वती सो रही है, देखो सेल हुयो काई खेल निकालो तेल न पार बसाती, और फूटा कर मन के लो झाको कभी लगे नहीं पाती, शिव जी सार कथा को सारे पर मैं सुओ हूँ करी मारे, अरे ओ सुओ ले रहो मा जाओ बैठो ढाल में, शिव जी ने छेड़ी रे अगाड़ी सुन लो भाई, तेरे होनहार की बात देख लो नींद सती को आई, अब लो अमर कथा बज रही है निर्भय पार्वती सो रही है, देखो सैल भुया का खेल निकासो तेल न पार बसाती, और फूटा कर मन के लो झाको कभी लगे नहीं पाती, शिव जी सार कथा को सारे पर मैं सुओ हूँ करी मारे, आजे हो सुओ ले रहो मा जाओ बैठो ढाल में, कि अब शंकर भगवान ने अमर कथा चालू की और भगवान की माया से होनहार की बात पार्वती जी को नींद आ गई, पार्वती जी तो सो रही है और इधर वो सुआ अमर कथा सुन रहा है और बैठा बैठा डाल पर हुंकारी लगा रहा है। सजनों कर्महीन नर कभी भी शुभ कर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन पार्वती जी तो सती थी, लेकिन शंकर भगवान की माया ऐसी ही थी इसलिए पार्वती जी को नींद आ गई। अरे पूरी हो गई कथा भवानी, अब तू हटा ले कथा को ध्यान, बात को सतोल काई मुंडा सुतो बोल, या कथा में पड़ोगे थारे काई ज्ञान, तो बोल या कथा में पड़ोगे थारे काई ज्ञान, बात को सतोल काई मुना सुतो बोल, ओ भवानी जब जागी यो पति को पति पास
प्रिय सजना, शंकर भगवान ने जब इस प्रकार कहा तुरंत ही पार्वती की नींद खुली और कहने लगी कि हे महाराज, मैंने तो ये कथा नहीं सुनी, मुझे तो नींद आ गई। ऐसी बात को सुनकर शंकर भगवान सोचने लगा, अरे जान गयो कैलासी मन में कबाड़ा मोटा होगा, तेरे तू सोवर की नार कथा को और मटो कुल सुन गो, अब तू मार करम में थाप कथा को सुन गो, थारो बाप मैंने बार बार समझाई तारे एक समझ नहीं आई, गरी का मालक तेरिया जाल बिछायो हारते हैं झाड़, तेरे लुटिया पाते देख डोमड़ी गावे आल पताल शर्म नहीं आई, कड़वाई कोई ठीक रहो नहीं भाई, पुण्य हूँ कारी लगाई, शिव के गुस्सा तन में छायो, दुश्मन ऐसो कौन न्या आयो, कर गो खाली पर निगाह पड़ी शंकर की, सुखो बैठो बड़की डाली, अरे बारे बारे करे करे बिचारे, तेरा आ गया आखिरे करारे, मारो तो डट जा गवारे, सजनों। जब पार्वती ने कहा कि महाराज मुझे तो नींद आ गई, शंकर भगवान सोचने लगा अगर तुझको नींद आ गई तो ये हुंकारी किसने लगाई। ऐसी बात को सोचकर शंकर भगवान पेड़ में इधर उधर देखने लगा, शंकर भगवान को एक सुआ नजर पड़ा, सुअर को देखते ही शंकर भगवान के एकदम से शरीर में गुस्सा आ गया और कहने लगा, तो गुस्सा तन में छा गया और शिव के अपरंपार, और खा जावे गो भाग के तो कुछ छोड़ू नहीं गवार, खा जाए गोटे घेरे अभिमानी, थोड़े तारी आ गई काल निशानी, सब मीठू तेरा अभिमान मैं देखूं कैसो बलवान, अब खा जाए गोटे घेरे अभिमानी, थोड़े तारी आ गई काल निशानी।
चिरे सूल उठाया चक्कर तीन लोक में काटे इनको कोई भी नहीं डांटे। देखो वेद व्यास की नारी बैठी शीश उतारे प्यारी वाले आयो और छोड़ शरीर सुबह देखो नारी के गर्म समायो पारण पायो वेद व्यास के आंगन में शिव धूनो जाय लगायो। अरे मारे मारे काहे रे बिचारे तो को देखूंगो डट जागा वार अभी तो बेटा निकसे गो भारी चक्कर तीन लोक में काटे इनको कोई भी नहीं डांटे। देखो वेद व्यास की नारी बैठी शीश उतारे प्यारी वाडिन आया और छोड़ शरीर सुओ देखो नारी के गर्भ समायो पारण पायो वेद व्यास का आंगन में शिव धूनो जाय लगायो। अरे मारे मारे कर कर विचार तो को देखूंगो डट जागा मार कभी तो बेटा लिख से गो भारे प्रिय सजना सुआ को देखकर शंकर भगवान धनुष उठाकर त्रिशूल उठाकर सुआ के पीछे पड़ लिया। क्या होता है कि आगे आगे सुआ भगता जा रहा है और पीछे से शंकर भगवान भग रहे हैं। तीनों लोकों में इस प्रकार से भगते हुए फिर रहे हैं। आखिर में क्या होता है कि वेद व्यास जी की औरत शीश गुथा रही थी। सुआ ने विचार करके अपने सुआ के शरीर को छोड़कर और हंस ऋषि रानी के गर्भ में प्रवेश कर गया। इधर शंकर भगवान ने वेद व्यास जी के आश्रम पर आंगन भर धूना लगा लिया और सोचने लगा कि मैं तुझे देखता हूं इस गर्भ में तू कब तक रहेगा, कभी तो इससे बाहर निकलेगा। इस प्रकार से सोचकर शंकर भगवान आराम से धूना लगाकर तप कर रहे हैं। अरे कौन समय जावे उन्हें कौन को पता नहीं समझे मन में अरे हो निकसी कैसे देखो फसे रहा सुओ गर्भ में बारे साल तप्यो मुनि के आंगन में। अरे कौन समझावे इन्हें कौन पोते नहीं समझे फसे रहा सुओ गर्भ में शिव बारे साल तप्यो मुनि के आंगन में। हाँ सजनों
क्या होता है, न तो सुहाई गर्भ से निकलता है और न शिव जी वहां से हटते हैं। इस प्रकार से दोनों को रहते रहते 12 साल हो गई, लेकिन दोनों ही नहीं हटे। अब क्या होता है, अरे एक दिन आकर याद गवार सफेद प्यास के ढिंगराई, अरे हो तुम हो तेरे लोकी नाथ सुनो चित लाई, कर जोर पति को इशारा गिर समझाई। शंकर ने जान लही गवर जाया, साची कह रही बहुत पछताया, और आखिर वो लाचार शिव जी के लासन में आयो, अरे कर विचार हो गयो लाचार गिरे जाकू गणो इधा में काय, होनी के आगे पेश नहीं खाए। शंकर ने जान लही गवर जाया, साची कह रही बहुत पछताया, और आखिर वो लाचार शिव जी के लासन में आयो, और कर विचार हो गयो लाचार गिर जाकू गणो इधा में काय, होनी के आगे पेश नहीं खाए। हाँ प्रिय सजना, क्या होता है कि वेद व्यास जी के द्वार पर भवानी पहुंची और शंकर भगवान से पार्वती जी कहने लगी कि हे महाराज, खैर मैं आपको क्या समझा सकती हूं, लेकिन आप ही सोचो, आप तो 3 लोक के स्वामी हो, सुआ कैसे मर सकता है, जबकि अमर कथा सुन ली है तो सुआ की सारी काया अमर हो चुकी है। पार्वती जी ने इस प्रकार कहा, सुनते ही शंकर भगवान पछताने लगा, अरे कर विचार गे काला चार गिर जाको गाणो इधा में काए, होली के आगे पेश नहीं खाए। बिगाड़ी ऐसे बोले त्रिपुरारी तने
से बोले कपुरारी तने सारी बात बिगाड़ी। सजनों, शंकर भगवान नाराज होकर पार्वती से बार बार धमका कर कह रहा है कि हे प्रिय, मैंने तुझे बहुत समझाई लेकिन तैने मेरी एक भी बात नहीं मानी, और जो मेरे गुप्त रहस्य की कथा थी उसको तैने संसार में प्रचलित कर दी। इस प्रकार से शंकर भगवान कहने लगा, अरे अबे अंदाज करो सुवाने शिव कैलासन को जायो, अरे हो दुश्मन अब चले गयो या मोको पायो, लियो जन्म नाम सुखदेव मुनि धरवायो। सजना, जब शंकर भगवान वहां से आ गया तो सुआ ने सोचा कि अब शंकर भगवान चले गए हैं। तुरंत ही गर्भ से बाहर आए और उनका नाम श्री सुखदेव जी रखा गया। अरे मत कोई कर जो भैम कथा को साथ भागवत रही गाली, अरे हो वन और नाले धरे दाईरे झाड़ के माई, सुन लो ज्ञानी बाकी अमर बेल गई छाई। अरे मत कोई कर जो भैम कथा को साफ भागवत रही गाई, अरे हो नाले धरे दाईरे झाड़ के माई, सुन लो रे ज्ञानी बाकी अमर बेल गई छाई। अरे अमर नाम कर गया मुनि सुखदेव जगत सारा में जा, दुर्गा लाल मिटे नहीं बिद के अंक जगत में कर लो विचार। We'll be right back.
चार दुर्गा लाल मिटे नहीं।